हाँ जी, ये अर्क खत्म हो गया था, आपने ये भी ले आए अर्क दसमोल। ये इस्तिहाना के लिए फ्रूट, और ये मच्छा घर पर नहीं थी। और नीचे ये एल मेहता फॉलेट, अपने सवारी होना तो कोई टेंशन। फरमान जब बोला था ना लाहौर, माशाल्लाह इस्तिहाना समिया सब फ्रेश हुई है। हमारी इस्तिहाना को, इस्तिहाना क्या पहन रही है? आज तो खुशी की खबर है, जब से मैंने इसे प्यार किया ना, बहुत खुश लग रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जान भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। जो न्यू है हमारे छोटे से रिक्वेस्ट होती है सब बहन भैया से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो अभी जो है माशाल्लाह समिया को जो है मैंने तैयार किया है, तो मैंने कहा बहन भैया को भी दिखा दूँ कि माशाल्लाह आज कितना खूबसूरत लग रही है समिया। चलो समिया इधर देखो, इधर देखो समिया, ऊपर देखो, ये देखिए माशाल्लाह आज मैंने समिया को तैयार किया है, और जिस खाला ने तावन किया था और वही ड्रेस जो है मैंने पहना दिया है समिया को। आज कितना खूबसूरत लग रही है, ये बहन भाई बताएंगे कि आज समिया कैसी लग रही है। समिया ऊपर देखो, बहन भैया को अपनी शक्ल दिखा दो, मुस्कुरा दो, खेल दो, ये देखें हंसती है अब तो। माशाल्लाह आज कितना खूबसूरत लग रही है कि अगर ये बहुत अच्छी होती ना, आप खुद चल सकती, ये बोल सकती, और कितना खुश नसीब होती अम्मी कि इसकी बेटी चल होती, और जैसे आप तैयार किया है ऐसे खुद तैयार होती इस्तिहाना समिया, तो खुशी की बात होती। अल्लाह पाक इसे सियात आप करे, और मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ, और बहन भी यही दुआ करेंगे। माशाल्लाह आज क्यूट लग रही है, बहुत अच्छी है ना अम्मी? हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है जी, सब बहन भाइयों से ज्यादा खूबसूरत है, प्यारी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक से खुश रखे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, अल्लाह ताला इन्हें दुख बनावे, पता ही ना चले, ठीक ठाक हो के चलने फिरने लग जाए, तो हमारा दिल बहुत खुश होगा जी। बिल्कुल, आज तो खुशी की खबर है, जब से मैंने इसे प्यार किया है ना, बहुत खुश लग रही है, और कहती है कि आज मैं तैयार हो गई हूँ, ये बहन भैया को दिखाने के लिए तैयार हो गई है। Okay. रोज ऐसे ही बनाऊंगे। तबियत का ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोट वगैरह लेके कहाँ जा रही है? ये तुम्हारे अब्बू को देने, पानी ले खड़ा था, अच्छा पा गया, तुम आए के लुकार ते कोट दे आऊं। हाँ अच्छी बात है, सुबह का पानी लगाया है। हाँ सुबह का, सर्दी में खड़ा है ना जी, तो ठंड पाए गया, आज अल्लाह का शुक्र है धूप तो निकली है टाइम से। हाँ ये तो है, हवा भी कहना आई, धूप बेहतरीन सोनी जी, बिल्कुल आज तो बहुत सुकून आ गया, जानवर को भी थे और बंदियों को भी। हाँ जी, फिर हूँ तो ठंड का टाइम है, तो मैं के दे आऊं को गर्म कपड़े जी, वो तो देर से गाड़ी बंद करेगा ना। हाँ जी, और मवेशियों को घास डाल दिया था? हाँ जी, दो बारी डाल दिया है, तो फिर मैं दे के आऊंगी, तो फिर तीसरी बार डालूंगी। अच्छा, अच्छा जी, और उस शरारती का काम देखे, बस उठे तो आराम ही नहीं आता, उन बकरियों के साथ भाग भाग के फिर उते शरीर में चढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं बस खेलते रहते हैं, बच्चों का काम ही ऐसा होता है। हाँ जी, चलो ये ठंड हो रही है, आप देखे हैं? हाँ जी, लुका, और वो देखे मुनीब को, एक गालू तो अच्छा करता है ना, बड़े पे चढ़ता है, आदि हो जाता है, बे हसीब जो कमरान, ये तो चढ़ भी नहीं सकते। हाँ, वो जो छोटे लाद हेला के ना, हाँ जी, वो जे जरा वाण हो चढ़ वेंदा है जी। अब देखे ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं जरा ये देखे, ये रहा। हाँ जी, ऊपर चल रहे हुए हो? नीचे आ जाओ, वो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड लग रही है, उसे अंदर ढक दो। हाँ अच्छी बात है, नीचे आ जाओ। और अभी चलती हूँ मैं चूल्हे में, और यहाँ पर देखें हमारी इस्तिहाना को, इस्तिहाना क्या पहन रही है? ऐसे जुराबे पहनते हैं जैसे आपने पहना हुआ है? नहीं, इसे ऊपर करो, चलो इसे छीको, ऊपर करो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे छीको, खींच लो खींच लो खींच लो, चलें जी। ये देखें अब पहन लिया ना, आज माशाल्लाह इस्तिहाना ने फ्रेश हुई है, आज धूप निकली थी, आज फ्रेश हो गई, और ये जर्सी वगैरह भी पहन लिया है,
और अपनी तैयारी वैरी भी कर ली है। और ये पारा कहाँ लगाया था आपने सुबह? ऊपर दिखा दो, ऊपर दिखा दो। माशाल्लाह आज तो खूबसूरत लग रही हो इस्तिहाना, खूबसूरत लग रही हो, अच्छी बात है। रोटी नहीं बनाई आज? नहीं बनाओगी? ये दूसरे भी बना दूं आपको? ये ऊपर सीख लो, ये दुख है। चलो ये ऐसे करना है, चलो चलो खींच लो ऊपर, खींच लो। चले ठीक है, चलो बहन भाई क्या करेंगे हमारे चैनल को? नहीं इशारा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय बोल दो, बाय बोलो इस ना। हाँ जुकिया अस्सलाम वालेकुम। सुनाया तबीयत का? ठीक है। ठीक हो? आज आपने भी फ्रेश हुई हो माशाल्लाह। इस्तिहाना समिया सब फ्रेश हुई हैं, अच्छी बात है। आज प्यारी लग रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें समिया को, समिया क्या खेल रही हो, क्या खेल रही हो? सुबह सुबह समिया को फ्रेश किया था तो सुबह सुबह इसे तैयार किया है, फिर हमने क्लिप बनाया है समिया का। आज बहन भाई देखेंगे तो पता चलेगा समिया कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी अभी तो। ये देखें इसने आँखों वाला जो मैंने लगाया था ना, समिया ऐसे करो ऐसे करो। हाँ ये देखें आँखों वाला जो है वो अभी लगाया है, और बाकी जो इसे मैंने तैयार किया है उसने वो उतार दिया है। हाय हाय डेरे पर क्या गया था? हाँ मैंने बताया बहन भाइयों को कि बहर गया है, अभी वापस आया हूँ जी। आपके ज़रूरी काम के लिए गया था। हाँ जी ये अर्क ख़त्म हो गया था, आपने ये भी ले आए अर्क 10 मोल। हाँ जी और ये जो है ना ये भी कुछ दवा है, गोलखंड है। हाँ जी ये बहन भाई जानते हैं ये किस चीज़ के लिए बात छोड़ रहे हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी है और ये भी अहम है। ये दोनों चीज़ें मेरे वास्ते ना अहम है, ये बहन भी समझ गया। और वो तीसरी एक चीज़ और भी है जी। वो मैं आपको दे दूँ? हाँ वो मुझे तो भूल गई। हाँ जी आपको भूल गई है, मुझे नहीं भूले। वो ना उसके डुप्लीकेट मिली है? नहीं वो तो असल लेनी थी। असल पता है कितने स्टोर हैं डेरा बक्खा में? 8-10 स्टोर हैं। तो फिर से फिरा हूँ, उन्होंने बोला ये नहीं मिलेगी इसकी दूसरी मिलेगी, वो नहीं आ रही। तो फिर हम खुद जाएंगे लेडी के पास तो फिर खरीद लेंगे, वो लेडी पहले भी खुद दिया था। चलो वो लेडी लेडी से ले लीजिए, लेकिन वो भी यही बोलेगी ये सेम ही चीज़ है की है, उन्हें निकल ही नहीं रही। सामान फंसा हुआ है वो, निकल जा निकल जा। और मैं ये बताती रहूँ ये इस्तिहाना के लिए फ्रूट, और ये माचसा घर पर नहीं थी। हाँ माचसा भी जरूरी थी। हाँ जी मेरे आटे वाले हाथ हैं, मैं रोटी बना रही थी। अच्छा ये क्या जरा सेम हो जाएंगे? हाँ आप चेक करें, इसमें पुराने वाला भी होगा और न्यू वाला भी है, ये सेम ही है। क्योंकि यहाँ देखने वाले बहन भाई डॉक्टर भी है, वो आपको समझा देंगे कि ये सेम ही चीज़ है। आप जैसे इसका नाम देखें ना, ये है मेटफोलिन, मेटफोलिन। हाँ जी इसका नाम है मेटाफोल। ये नाम जो मिलते जुलते हैं, और नीचे ये है एल मेटाफोलेट फोलेट, ये भी है एल मेटाफोलेट। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम की थोड़ी चेंज। चलो कोई बात नहीं, ये ले आए हैं आज, फिर से फिर शुरू कर रही हूँ अपना इलाज। नहीं शुरू तो कब का है, शुरू तो हो रहा था, दवाई खत्म हाँ। होगी तो फिर ले आए। हाँ। ऐसे बोले शुरू हो रहा है, शुरू तो नहीं हो रहा, शुरू तो 15 दिन पहले हुआ था। हाँ जी 30 गोलियां इसमें भी 30 होती हैं डेली सुबह शाम। और ओके। ये अब ऐसे नहीं खाना, पहले लड़के के पास चलेंगे उससे पूछेंगे कि अभी ये खाने हैं गोलियां नहीं खानी, फिर वो बताएंगे तो मुसलसल खाते रहना। और ये अर्क जो है ना ये लाजमी पीना है। हाँ जी ये शाम सवेरा मम्मी कहती है कि आप पीना शुरू करें। हाँ पहले तो सुबह सुबह पीती थी, अब शाम को भी पीना है। चलो मैं ना बच्चों के लिए माल्टे लेके आया था। हाँ ये आप बांटे, मैं ये देखिए आटे वाले हाथ है, मैं रोटी बना लूँ, रोटी बना रही थी अभी, जकिया बना रही।
नहीं आप तो जिस क्लब में भी मैं यहाँ आपको बुलाता हूँ आप भाग जाते हैं। नहीं वहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, आधी रोटी देखो। कोई बात नहीं, बनते रहेगी। चलो बसिया बना रही है। आप यहाँ बैठे और ये अम्मी बांटे, अब्बू जो है आज पानी लगाने गए हैं। हाँ जी, बस एक क्यारा वो पिलाएगा तो फिर ठंड पाएगी ना। ठंड भी बहुत ज्यादा है यार, माशाल्लाह इस्तेहाना आज बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, माल्टा भी खा रही है। इस्तेहाना को तो दिखाया नहीं मैंने। हाँ जी ये है माल्टा, इस्तेहाना पुत्र है, माल्टे खा रही है। हम तो वो चांद देख के खुश हो गए हैं। वो देखे अच्छा वो चांद त्राय चार लगती है नी, त्राय हो सी भर के। नहीं नहीं दो है, दो आज दो है, कल पहले थी आज दो कल है, नजर क्योंकि नहीं ये आज नजर तो आज धूप निकली तो नजर आ गया। अभी भी दिसंबर है, अंग्रेजी के महीने। बस यो एक महीना सर्दियों का रह गया, पहला महीना। नहीं दूसरे में भी होती है। नहीं दूसरे में नहीं होती, तीसरे में खत्म होती। दूसरे में धूप तिखी होती है तो हवा चलती है, जरा पत्ते गिर दें बनू के, पत्ते तो हवा गिर जाएंगे। अभी देखें पीले पीले हो गए हैं, अब सब खत्म हो जाएंगे। बस धूप जरा तिखी होवे ना हवा भी नहीं पता लगता। वो आएगा ना एक सीजन होता है मौसम के, खिजान में ये सब पत्ते गिर जाते हैं, जैसे पतझड़ कहते हैं, पतझड़ का मौसम वो आएगा। अभी वो सर्दियों में ही आता है जी। अभी मौसम बहार चल रहा है, मौसम सरमा नहीं है, अभी मौसम बहार है। अब देखिए चारों तरफ कैसे बहार है। हाँ वो देखिए, अब शाम का मौसम है, ये देखिए बहार कितना खूबसूरत लगती है। चारों तरफ जहाँ भी नजर फेरो ना ये फूल दिखते हैं। हाँ जी चले बाटे में वो आपको कहना रख दें, और असीब जो है मेहमान को लेने गए हैं डेरे बक्के। अभी अभी मैं आया, आपको फ़ोन आया कि एक बंदा आया हुआ है वहाँ से ले आओ डेरे बक्का, जान पहचान वाला है। तो वो उसको लेने गया, मुझे अब जो है इधर बैठा है मालटे लेके। हाँ जी दो लेने हैं, अम्मी से पूछ लो, अम्मी बाटेंगे को जितने जितने आएंगे उतने लेंगे। शाम भी हो गई है, अब देखे मगरब होने वाली है। बिल्कुल अब मैं इतना लेट हो गया, को बना दे। कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ व्लॉग बनाया है। बनाया था थोड़ा बहुत। हाँ जी बनाया था। तो बहन भाइयों ने देख लिया। और ये मुनीब शैतान क्या कर रहा था वो भी मैंने दिखाया है, इतने ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं जी। बिल्कुल हमें तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी टांगे बाएं तो सलामत है, हमारे जैसे तो नहीं है। हाँ अम्मी यही बात कर रही थी, बचपन से यह ना ये शरारतें करता है, कभी कहाँ चढ़ जाता है कभी कहाँ चढ़ जाता है। इसकी टांग तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ पे वाण पे चढ़ जाता है ना कोई तकलीफ नहीं होती। आपको, फरमान भाई को, कमरान भाई को और हसीब भाई को, ये सबको ना यह यही टांग का मसला है। कोई नहीं, कमरान नसीब सही है उनकी बात। नहीं वो भी नहीं चढ़ सकते, वहाँ पे नहीं चढ़ते, वहाँ पे मुनीब भी चढ़ते। वो तो एक खौफ है वैसे बंदे को कि हम गिर न जाए, वैसे हाँ, उनकी टांगे बाएं सही है, हमारे तरह नहीं है जी। जब मैं इस उम्र का था ना मुनीब की तरह, तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चढ़ जाता था। तो यार समझ नहीं लगती, जो छोटे ला तो ठीक है, तो क्या हो गया। नहीं सीधी बात है, कमरान यही कहता है कि अब मेरी भी टांगे दुखती है। हाँ वो 10 साल से ऊपर वही का। हाँ कमरान यही कहता है, जब यही पौड़ी पर चढ़ता है कोई वाण पर चढ़ता है ना, कहता है कि मेरे ये टांग दुखते हैं। ये फलों के लिए ना कुछ ये मारने जाता है ना, अब वो कहता है कि ये कोई मार के आए ये फल वगैरह खाएंगे, तो यही कहता है मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, बस नीचे तोड़ लेता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो फरमान भाई ने पूछा है, कहता है मेरे भी टांग दुखती है। हाँ वो उसका भी वही 10 साल से हमारा ये मसला हुआ है, 10 साल से ऊपर हमें ये कमजोरी होना शुरू हो गई थी, अब तो बिल्कुल। हाँ ऐसे है, ये वैसी कमजोरी नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल बैठ जाए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे भागे ना एक दो कदम फिर खोल जाते हैं टांगे फिर गए। हाँ इस्तियाना जब बैठती है ना तो कुछ ईंट जा कोई चौकी वगैरह रख लेती है ना, तो फिर आसानी से उठ जाती है। अगर ना रखे ऐसे बैठ जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, इस्तियाना उठ भी नहीं सकती। अगर उठती है तो फिर वहीं खड़ी रहती है, 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर चलती है। कमजोरी है टांगों की
और मैं अपने बात बताऊं, हम जहाँ पीछे अलीपुर सिटी में रहते थे ना, वहाँ पर अम्मी भी गवाह बैठी हैं, अम्मी भी देखते थे हमें, इतनी शरारतें करते थे और लड़कों से ना रेस लगाते थे, मिलाए जैसे कहते हैं रेस लगाते हैं दो बंदे, वैसे रेस लगाते थे, सबसे आगे हम जाते थे फरमान बाजार में, तो उन्होंने नज़र लगाई, बोलते हैं ये सबसे आगे भागते हैं, तो नज़र लग गई किसी की, वरना हम इतने शरारती थे, पूरे इलाके में मशहूर थे। हाँ जो अल्लाह को मंजूर, इंशाल्लाह आप भी बहन भाई दुआ करेंगे, हम पूरे घर वाले दुआ करते हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये तो छोटी सी मजबूरी है, ये हम इलाज भी करवा सकते हैं, हर चीज़ का इलाज है, ये तो बस टांगों मसला है, ये कमजोरी है थोड़ी सी, इंशाल्लाह अल्लाह हो इलाज हट जाती है। हाँ अभी मेरे अंदर बहुत सारी हैं, मैंने अभी इलाज करवाने हैं हर चीज़ के, आवाज़ का भी है, वो जो खाए थे ना दवाई जो खाला ने बताई थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ वो जब भी खाता था ना ऐसे गले पे बोझ बन जाता था कि उल्टी आने लग जाती थी, तो फिर मैंने खाता हूँ कभी कभी, अब ज़्यादा नहीं खा रहा। खैर छोड़ें कोई बात नहीं, आपकी वैसे भी आवाज़ बहुत प्यारी है बहन भाई, ज़रूर कहेंगे कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ प्यारी है, आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। जी जी बहन भाई, कभी नहीं कहा कि आपकी आवाज़ ऐसी है वैसी है, ये तो नहीं कहा, यही कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अब मेरी आवाज़ माड़ी तो नहीं है? नहीं, किसने कहा कि आपकी आवाज़ माड़ी है, खूबसूरत आवाज़ है ना, खूबसूरत आवाज़ है ना पुत्र, मल्टे खा रही हो, देखना खूबसूरत आवाज़ है ना मेरी। हाँ जी मैं भी यही कहती हूँ, समिया और इस्तियाना बिल्कुल आपकी तरह बोलें तो बोल तो लें। नहीं उनके गला ठीक है, जब बोलती है ना ऐसे मोटा मोटा, लेकिन वो सीधे से बात नहीं घुमा नहीं पाते जुबान, कभी कभी तो इस्तियाना बात करती है खुद ऐसा लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं, बस ऐसे ही बात करती है, तो कभी कभी बस क्या बोलूं। दुआ करें अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ओके, मैं रोटी बना लूं, मुझे उम्मीद है, मुझे चांस है कि इस्तियाना बोल पाएगी, इंशाल्लाह जरूर। आप डॉक्टर को भी दिखाना है तुम्हारे अब्बू आधे सर्दी में जा रहे गुजर जाए, सर्दी में आना जाना सवारी तो बाइक पे आना जाना, कोई कार वगैरह तो नहीं जो हम छुप जाए, सर्दियाँ हट जाए तो फिर चेक करवाना है, इलाज शुरू करना। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ हमारे जैसे फैमिली है ना डिसेबल, कार बंदे की होनी चाहिए, क्योंकि अब ताला देगा ना, आना जाना बहुत ही मुश्किल दुश्वारी होती है ना, हम बावलपुर तक मैं तक सर्दी में बनाओ तक कुल्फी बन जाता है, इसलिए तो आके सर्दियों का महीना डेढ़ गुजर जाए तो फिर जाएंगे। हाँ कार इंशाल्लाह लेंगे अपने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देगा। हमारी फैमिली भी ऐसी है ना, अगर हमारे पास कार होती ना तो कोई भी इस्तियाना का इलाज, समिया का इलाज, समैया बैग पर नहीं बैठ सकती, ये इस्तियाना तो बैठ सकती है लेकिन समैया नहीं बैठ सकती, अगर समैया का इलाज कराएं सही तो कोई किराए वाली कार लेना पड़ेगा तो फिर वो लेके जाएगी। अब कौन डेले चक्कर लगाया किराए वाले, नहीं आंदे जाते ना किराया हो जाए, लेकिन किराया ही इतनी बड़ा इतनी लेते हैं ना, ये भावलपुर तक जाए ना कार तो बड़ी इतनी मुश्किल होती है। नहीं मैं वैसे अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी एक सवारी होनी चाहिए इंशाल्लाह। अब देखे हर दिन हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, फौतकी हो जाती है, शादी आ जाती है, दुख सुख आ जाते हैं, अलीपुर भी जाना पड़ता है, भावलपुर भी जाना पड़ता है, रिश्तेदार है ना, आना जाना तो लगा रहता है, एमरजेंसी में गाड़ी जरूरी है। हाँ जब अलीपुर फरमान भाई और मैं जा रहे थे ना तो इतनी मुश्किल हुई है, जो बस पर जाए करते थे, एक तो बस पर बैठें और दूसरी पर जाएं और दूसरी पर जाएं, ऐसे बात करते हैं, फिर अगर फरमान भाई का टांग का मसला है ना, कुछ देर खड़े हो जाते हैं तो फिर चलते हैं, वो कहते हैं बस अभी अभी उतरो, अभी अभी उतरो, बस ऐसे कहते हैं, बड़ी मुश्किल होती थी यार। वो हमें पता है जब बस से उतरते और चढ़ते वक्त इतने हमें तकलीफ होती है, मैंने देखा, आपको भी देखा है और फरमान भाई शर्मिंदगी इतनी होती है कि जब बंदा बोलता है ना उतर जाओ यार, क्या इतना मतलब कि आंसू निकल आते हैं हमारे। हाँ
और फरमान भाई जब उतर रहे थे तो कैलेंडर ने यही कहा है अब जल्दी भी करो, ये क्या मुसीबत है। ओ, बड़ा गम लगता है हमें, अपने सवारी होना तो कोई टेंशन। फरमान जब बोला था ना लाहौर बेना प्याते वही में जल्दी जल्दी आने चढ़ो जल्दी जल्दी बात है, थोड़ी थोड़ी मट्टी थी ताकि चढ़ो जल्दी चढ़ो, चढ़ने में वो चला रखे तो ढांधा ऊपर में बंदे झाल गए थे, दो बंदे झाल गए थे, नहीं तो ढाता था खबर क्या हो। जैसे वाले ये बात बताई ना मुझे, मैं कहे उनको वहाँ जाना नहीं देता, मैं कह बेटा घर खड़ो भुख है सुख है जो काम है घर तक करो, फिर मैं तुम्हें लाहौर नहीं जाना दे, कोई मसला बन जाता तो हमारे पास क्या होता। इसलिए सोच रहा हूँ चलो अपने सवारे लेंगे इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है अपने कार लेंगे और जहाँ भी घूमना फिरना हुआ गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे सुकून से।